क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद। आप किस पद पे हैं? कौन से पद पे हैं? ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान कौन से गांव के? चाणपुर नवदिया। अच्छा, जो रघुवीर और नन्नी का जो विवाद हुआ था जमीन को लेकर, तो इसमें आपके पिताजी का भी इसमें कुछ बता रहे हैं कि वो पिताजी का भी हिस्सा है इसमें फ्लैट में? वो मेरे पिताजी का निजी का लिया हुआ है, अलग का, निजी अलग का लिया हुआ है। जे कत्ल करके आए उधर बदानियों में मेरे पिताजी के भाई, तो वो लोग डर के माले इधर आते हैं। इधर आने से हुई प्राणी जगह ही, तो उसके बदले में हुआ प्राणी दे दी गई ही कि ये जगह मैं ले लूँगा, उस वो जगह तुम बतले हो, रात बिरात आओगे तुम्हें खतरा है। अच्छा, हाँ। तो उस विवाद के लिए ले तो मैं ना कहीं उनके घर पर जाता हूँ, ना कोई बात में नहीं जाता हूँ। और इतनी चोट लगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं आज तक नहीं गया हूँ अपने मोहल्ले से। वे बात छोड़ रहे थे, मैं जा छोड़ रहता हूँ अपनी गली से लाभ पल्लव में बीच गांव में, अभी तक नहीं गया हूँ, तीन दिन होने आ रहे हैं। तो आरोप जो आरोप लगा रही महिला वो तो वो गलत है। उस समय मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य था। अच्छा जी, ISTM साहब आए है तो उन्होंने कहे इसके लिए महिला के लिए जब लोग इनकी शादी नहीं हो रही है तब लोग रहने के लिए देने के लिए। वो सुनीता है जो सुनीता, तो मैं उन्होंने ISTM साहब ने कही, तो मैंने कि साहब अबे रहने के लिए चलो, इसमें तो जगह कम है, एक एक कमरा पड़ रहा है। मैंने सर ऊपर देखो, छत खाली जहाँ तक निकल गई है, रहने के लिए बराबर रिश्ता है, मकान बना हुआ है, छत कच्ची है, आराम से रह सकती है। अच्छा, और शादी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। तो आपने उस समय लिखित कराया था क्या कुछ? कोई लिखित नहीं कराया, वो मेरे नाम पट्टा है, मेरे पिताजी के नाम पट्टा है। अच्छा, मोल ले लीजिए। तो ISDM साहब ने ऐसे ही मतलब मोजवानी? हाँ, मोजवानी पे बयान लिए थे। अच्छा अच्छा, सही। और नाम है किसका हिस्सा है? वो सुनीता का। किस जमीन में? जो जमीन है, जो खेती कर रहे हैं। अच्छा, खेती वाली। और जो प्लाट बन रहा है वो? प्लाट बनना है वो मेरे पिताजी के नाम है। अच्छा, तो उसे कौन आप बना रहे हो क्या? मैं नहीं बना रहा हूँ, वो अपनी जबरदस्ती पे बना रहे हैं। जबरदस्ती बना रहे हैं जी? आपकी सहमति नहीं है उसमें? हाँ, हमारी कोई सहमति नहीं, पता भी नहीं था बन रही है कि नहीं बन रही है। अच्छा, तो आपने उसका विरोध किया? विरोध नहीं किया मैंने, मैं कोई पता ही नहीं है तो विरोध क्या किया। जब उनमें लड़ाई झगड़ा हुई है तो कल मेरे लिए सूचना तो मिली। गांव में जब इतना विवाद हो गया, पुलिस भी आ गई, सब आपको पता नहीं कुछ? मुझे कोई ना पुलिस का कोई नाली नहीं, मेरा मेन था प्लान था कम से कम गांव से 1 किलोमीटर दूरी फैक्ट्री बता मैं रात की मेन था प्लान की। अच्छा, तो आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। ठीक, क्या नाम है आपका? गीता। गीता, तो कहाँ से आई हो? चाणपुर नवदिया। तो जो आपको चोट वोट लगी है क्या? हाँ, लगी गुम चोट, पेट में लात मारी। पेट में लात किसने मारी? जिठा सुनीता। अच्छा, सुनीता आने वाली। अच्छा, और आप प्रेग्नेंट हो क्या? अच्छा, तो क्या कहते हैं? नन्ने और सचिन और हीरा का। ठीक, क्या नाम है आपका? रघुवीर। रघुवीर, कहाँ से आना हुआ? छाड़पुर नवदिया। छाड़पुर नवदिया, थाना कौन सा है? भमोरा। तो आज ये डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, आपके पैर में चोट है, ये कैसे लगी है? लड़ाई हो गई। किससे हुई है? भाई से। भाई का नाम? नन्नेलाल। तो लाल है, सचिन है, हीरा कली है, सुनीता। तो इन लोगों ने आपको मारा, तो आप क्या चाहते हो? चाहते क्या? हमें सजा मिली तो सजा उसे मिलनी चाहिए। मतलब कार्रवाई चाहते हो, सजा मिलनी चाहिए उसे, हैं? और क्या नाम है आपका? गीता। गीता, कहाँ से आई हो? थाना कौन सा है? तो क्या कहते हैं, आपको भी कहीं चोट आई है? यही ना, गुम चोट आई है। हाँ, डंडा पिला, पेट में लात मारी। पेट में लात किसने मारी? जिठौतनी हमारी, जेठ और जिठानी। नाम बताओ जिसने पेट में लात मारी। सुनीता। सुनीता ने पेट में लात मारी। अच्छा,